हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ पोहा, स्पेशल पोहा बनाने जा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप कहीं पे नाश्ता बनाने में डिस्टर्बिंग हो जाएंगे और पोहा नहीं बना पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक दीजिए, देखिए। सबसे पहले हम एक ओनियन लेंगे और उसको अच्छे से कट कर लेंगे। उसको अच्छे से बारीक बारीक कट करके उसके बाद एक टमाटर लेंगे और टमाटर को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये सब होने के बाद दो पीस हम ग्रीन चिल्ली लेंगे और वो दो पीस ग्रीन चिल्ली को हम अच्छे से कट कर लेंगे, बारीक बारीक कट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक पैन लेंगे। ये सब चीज़ कट करके हो गया, ये सब कटिंग हो गया, ऑनियन टमाटो और ग्रीन चिल्ली। और उसके बाद पैन लेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल में हल्का सा जो सरसों रहता है, राई जिसको बोलते हैं, उसको डालेंगे और उसमें हल्का सा जीरा डालेंगे और उसको अच्छे से सोते करेंगे। इसको सोते करने के बाद इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसको थोड़ा सोते कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें ऑनियन। तो इसमें हल्का सा हमने ऑनियन डाला और इसको हम अच्छे से सोते कर लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा पकने देंगे। और इसको पकने के बाद, इसको अच्छे से पकने के बाद, भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छे से सोते कर लेंगे। टमाटर को सोते करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा 10-12 पीस जो शुगर रहता है, थोड़ा सा शुगर डालेंगे। और शुगर डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पोहा डालेंगे। पोहा को अच्छे से हम इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो पोहा है वो रेडी हो जाता है। और इसमें हल्का सा हम ऊपर से इसको डेकोरेट करने के लिए या इसका अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा इसमें कोरिएंडर डालेंगे। कोरिएंडर डालने के बाद हम ये अच्छे से तैयार हो गया है। देखो कैसे तैयार हो गया है, ये आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको डिश में डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि डिश में इसका डेकोरेट जो कैसा है और कितना अच्छा लग रहा है। आप कभी अपने किचन में बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें से आपने कुछ सीखा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। और आप अच्छे रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को हैप्पी रखें। और थैंक यू वेरी मच। गुड।